दोस्तों शार्दुल ठाकुर के एक छक्के ने मैदान पर सबको हैरान करके रख दिया। दोस्तों दरअसल आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2023 का नौवां मुकाबला समाप्त हुआ और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 81 रनों से इस तूफानी मुकाबले को जीत लिया। दोस्तों इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बने लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने 2 विकेटें और बल्ले से 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली 29 गेंदों में। दोस्तों लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने इसी मुकाबले के बीच एक ऐसा छक्का लगाया था जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। दोस्तों दरअसल ये बात है अंतिम ओवरों की, जहां शार्दुल ठाकुर फ्री हिट पर बल्लेबाजी कर रहे थे आकाशदीप की। दोस्तों जैसे ही आकाशदीप को यॉर्कर गेंद रखी, इस तरीके से शार्दुल ठाकुर ने अपने बल्ले को घुमाया, गेंद गई सीधा अंतरिक्ष में कुछ इस तरीके से, काफी जोर से उन्होंने शॉट लगाया और ये देखिए गेंद की रफ्तार। दोस्तों गेंद कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब गेंद को देखा गया तो दूसरे पाले में पाई गई गेंद, जब जाकर अंपायर ने इस डिसीजन को छक्का करार दिया क्योंकि इतनी ऊपर गई थी गेंद, किसी को हैरान नहीं हो रही थी। दोस्तों आप सभी को बता दें शार्दुल ठाकुर ने आज मैच विनिंग पारी खेली 68 रनों की, जिस गलते केकेआर की टीम को अंत में 81 रनों से जीत मिली क्योंकि 204 रन लगा दिए थे केकेआर की टीम ने। लेकिन दोस्तों आप शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं, वीडियो को लाइक करें।